आसाम कोकराझार से मैं सुमित्रा आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ चैनल विद सुमी में। आज इस वीडियो में हमारे एक फ्रेंड संगमित्र जी के घर आई हूँ। ये हमारे साथ बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार मलाई मेथी चिकन रेसिपी शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैरिनेट के लिए कितना टाइम रखना पड़ेगा? ज़्यादा टाइम रखने से अच्छा होगा, एक घंटा रखने से अच्छा होगा। अगर टाइम नहीं है तो 15-20 मिनट। स्पून बटर, ये लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा फ्राई करेंगे हम। अदरक का पेस्ट है, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, फ्राइड ऑनियन, टोमेटोज एंड ग्रीन चिली एक साथ पेस्ट करना है। ये पेस्ट है, हाँ। अभी ये मसाला का ग्रेवी होगा ना, थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा 5-6 मिनट। उसके बाद हम चिकन दे देंगे इसमें। अब ये मसाला फ्राई हो चुका है, तेल छोड़ रहा है, अब हम चिकन डालेंगे इसमें। ये मसाला के अंदर मैरिनेटेड चिकन को डालना है इन्होंने। अब इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी 5 मिनट हो चुका है, अभी थोड़ा चेक कर लेती हूँ। मसाला के साथ में थोड़ा सा पानी दिया था, वही पानी है ना? हाँ, वही पानी, थोड़ा चिकन से भी थोड़ा निकलता है ना। अब काजू पेस्ट मिक्स कर दे रही हूँ। यहाँ इन्होंने काजू का पेस्ट मिक्स किया चिकन के साथ। यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच मलाई लिया है, अब चिकन में मिक्स करेंगे। मेथी साग मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करना है, फिर चला के इसको थोड़ी देर पकने देना है। जब तक ये बन के रेडी होगा तब तक हम इनके कुछ कारीगरी देखते हैं। आइए, इनकी घर की सजावट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने वीडियो में कैप्चर कर लिया। देखिए, संगमित्र जी भी हमारी जैसे एक साधारण गृहिणी है, पर उन्होंने अपने अंदर की कलाकार को बरकरार रखा है। इनकी जैसे ही हम भी अपने हॉबीज और इंटरेस्ट के लिए कुछ समय निकाल ही सकते हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो
मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनी हॉबीज को बरकरार रखना चाहिए। तो इनका बेटा का एक पेंटिंग था, मैंने कैप्चर कर लिया। अब ये चिकन हो चुका है, अब देखिए तेल छोड़ रहा है इससे, तो ये हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे, ये मैंने घर में बनाया। क्या क्या मिक्स किया इसमें? इसमें धनिया, धनिया से कम जीरा, और इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग। तो ये होममेड गरम मसाला। अभी ये हमारा चिकन रेडी हो गया, मेथी मलाई चिकन गरम गरम, अभी सर्व करेंगे। अब चिकन बनके तैयार है। देखिए ये मौसम में मेथी का साग अवेलेबल है, आप लोग भी एक बार बना के खाइए। देखने में जैसे अच्छा उतना ही स्वादिष्ट था खाने में। पूरी के साथ में इन्होंने सर्व किया। इनका हाथों का और भी स्वादिष्ट रेसिपी मैं इन फ्यूचर अपलोड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कैरमल पुडिंग बनाया था इन्होंने, और ये है आनंद लड्डू। भविष्य में हम अपलोड करेंगे इसका रेसिपी भी। तो हम सब मिल के रोहित बेटा के साथ डिनर एंजॉय किया। ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए सबको धन्यवाद। ऐसे ही बने रहे सुमी के साथ, और भी मैं अपने फ्रेंड्स की स्टोरी और रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।